रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र के ग्राम सियरमऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां टड़ा रोड पर स्थित खेत की बागड़ के पास एक नवजात शिशु मिला है। आज सुबह ग्रामवासी गंगाराम आदिवासी सोच के लिए बाहर जा रहा था, तभी उसने नवजात को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। ग्रामवासियों ने थाने में सूचना देने के साथ ही नवजात को ग्राम के स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स भारती चौहान ने नवजात का चेकअप कर प्राथमिक उपचार किया। बच्चा स्वस्थ है और उसका वजन 3 किलो है। नवजात लड़के के हाथ पर एक पर्ची बंधी हुई थी, जिसमें पिता का नाम मनीष और माता का नाम राजकुमारी लिखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात को वहाँ किसने और क्यों छोड़ा। गाँव में इस घटना के बाद से लोगों में चिंता का माहौल है। कुछ लोग इस बात पर अचंभित हैं कि नवजात को इस तरह से क्यों और कैसे छोड़ दिया गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी भी इस बात से हैरान हैं कि नवजात बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, उसका वजन भी समान है। इस घटना की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। उम्मीद की जा रही है जल्दी नवजात के माँ बाप का पता चलेगा और नवजात को न्याय मिल सकेगा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? सियरमऊ। नाम क्या है? गंगाराम। क्या घटना हुई बताइए। इधर से रास्ते से जा रहे थे, इधर बगल में आवाज़ सी आई थोड़ी, हमने देखा तो इधर बच्चा पड़ा था। अच्छा। तो फिर हमने जान के उधर होटल पे शिकायत की, फिर 4-5 लोग फिर आए, उसे देखा तो वो जिंदा था। फिर सब लोग इकट्ठे हो गए तो ले गए। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मेरा नाम भारती चौहान है, स्टाफ नर्स में सब सेंटर सियरमऊ में पदस्थ हुआ। आज ये हुआ मॉर्निंग में करीब 8 बजे, गांव के लोगों द्वारा एक अज्ञात बच्चा लाया गया जो न्यू बॉर्न बेबी है, और उसके पूरी बॉडी में कांटे लगे हुए थे। उसके गले में फांसी का फंदा भी था, जो कि हमने उसके सारे कांटे निकाले, बच्चा क्लीन किया और उसका ट्रीटमेंट किया, नॉर्मल ट्रीटमेंट, उसके ऑयलमेंट लगा दिया। और बच्चा अब पुलिस आई और पुलिस के हाथों में हमने बच्चा सौंप दिया है। बच्चे की हालत किस तरह से? बच्चा स्वस्थ है, बच्चा को हल्का पीलिया लग रहा है। अच्छा जी। हमने अपने डॉक्टर बीएम सर को सूचना दे दी, सर ने बोला कि उसका नार्व ट्रीटमेंट करके और उसे सिलवानी रेफर कर दी। क्या घटना हुई है आज? आज हमारे ग्राम में टड़ा रोड पर एक नवजात शिशु मिला है, जो करीबन बताया जा रहा है कि 8 दिन का है। अभी शिशु कहाँ पे है? अभी स्वास्थ्य केंद्र में है। अच्छा, क्या स्थिति है? उपचार चल गया, उसका स्वस्थ है। अच्छा जी। किसने सूचना दी थी? सूचना गंगाराम एक आदिवासी है, जो उनने देखा सबसे पहले, उनने सूचना दी भाई समस्त ग्रामवासियों इकट्ठे भाव पे भाई। तो हम लोग सब पुलिस प्रशासन है भी सूचित किया, उसको स्वास्थ्य केंद्र ले आ गया, सब पुलिस का निर्देश मिला। ये गंगाराम सोच करने गए थे, 6 बजे की बात है, तो उधर दर्रे में बच्चा रो रहा था, डर रहा था उधर। इसके बाद में उसने गांव के लिए बोला कि भैया इधर एक बच्चा डला है, आप देखो। तो सब लोग गए उधर, देखा, सब लोग इकट्ठे हो गए, अपन ने भी देखा। तो अपन ये अस्पताल आए, इधर ट्रीटमेंट हुआ, उसके अलावा मैडम ने ट्रीटमेंट किया, कहले स्वस्थ बच्चा।